अजय देवगन, इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता, इलियाना डिक्रूज जैसे सितारों को लेकर निर्देशक मिलन लथुरिया ने बादशाहो फिल्म बनाई। फिल्म के ट्रेलर ने खासी हलचल मचा दी थी, जिससे लगा था कि ये फिल्म शानदार व्यवसाय कर सकती है, लेकिन फिल्म इतनी कमजोर निकली कि कलेक्शन अपेक्षा से नीचे रहे। मल्टीप्लेक्स ऑडियंस ने तो इस फिल्म को खास पसंद नहीं किया, यही कारण रहा कि मल्टीप्लेक्स से कलेक्शन कम रहे। सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों जहां टिकट रेट कम होते हैं, वहां इस फिल्म को पसंद किया गया और यहां पर कलेक्शन बेहतर रहे। बहरहाल इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुरक्षित रखने के लिए 85 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा। 10 दिन में ये फिल्म अब तक 71.27 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई है। अब कलेक्शन काफी नीचे आ गए हैं और 85 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल है। 85 करोड़ तक नहीं पहुंच पाती है तो ये फिल्म फ्लॉप मान ली जाएगी, और यदि पहुंच भी जाती है तो खास फायदा नहीं होगा। जितनी पूंजी लगाई है उतनी लगभग आ जाएगी। 100 करोड़ का आंकड़ा तो अब इसके बस की बात नहीं। कुल मिलाकर बादशाहों ने बॉलीवुड को निराश किया है।